जाने वाला भाई चेक करो, देख रहे हो, ये हो जाने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा रावण। अभी अपनी पूरी ही सीमा पे आ चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल 11:25 हो रहा है इस समय। मेरे पीछे 211 फीट का रावण है, जिसकी भाई आज हम वीडियो बनाने आए हैं, वो भी इतनी रात में। और सबसे पहले तो आप एक चीज और चेक कर लो भाई, सामने ये मशीनरी चेक करो भाई, ये गदर चीज हो जाने वाली है, स्पेशली बड़े वाहनों के लिए और बड़ी चीज के लिए मंगाई गई है। मुझे लग रहा नहीं उठा पाएगी तो ये इसको बुला। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको नॉर्मली ट्रैक्टर गाड़ी वाड़ी फंसती है तो ये निकाल देती है, बुराई नहीं कर रहे लेकिन भाई निकाल देती है। लेकिन रावण अभी आप देख रहे हो भाई, रात में या सुबह इतना मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन भाई पूरा काम प्रॉपर हो चुका है। तो भाई अभी आपके आंखों के आगे भाई रावण है, ये क्रेन में भाई बंदा बैठने वाला है। भाई आपके सामने क्रेन खड़ी हुई है और इसकी हाइट देखो भाई कहां तक जा रही है, देख रहे हो भाई इतनी ऊंची क्रेन यहां पर सेट हो चुकी है रावण के ऊपर। हॉस्पिटल से भी थोड़ी ऊंची है, है ना। ये है भाई, धीरे धीरे करके भाई रावण जा रहा है भाई ऊपर, ठीक है आपके सामने ही है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक क्रेन यहाँ लग रही है, एक क्रेन यहाँ लग रही है और बीच में है भाई रावण। धीरे धीरे करके भाई इसकी सीमा ऊपर होती जा रही है, ये जमीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा आ चुका है भाई, ध्यान से देखना। ये भाई 211 फुट ऊंचा रावण है, जो कि भाई 211 फुट ऊंचा रावण भाई कुछ इस तरीके का खड़ा हो रहा है, देखो भाई अब गलत ही सीन हो जाने वाला है भाई यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा टाप के दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ से ये चीज़ चेक करो, ये देखो भाई इस रावण को कवर करने भाई बहुत ही जने आ चुके हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक रावण हो जाने वाला भाई, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल। तो भाई ये चीज़ चेक करो भाई साहब, ये जो रावण हो जाने वाला है 211 फीट का हो जाने वाला है भाई, मेरी आंखों के सामने भाई ये खड़ा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा साइड से शॉट लेके दिखाऊंगा आप सभी को भाई, इतना ज़्यादा दिग्गज रावण है, उसके लिए भाई साहब इतनी बड़ी क्रेन बुलवा रही है, जैसे आप सामने देख पा रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रावण है। टाइम मैं आपको बताऊँ ना भाई, रात के देखो 1 बज रहा है और ये रावण भाई साहब रात के 1 बजे खड़ा हो रहा है, और फिर भी पब्लिक सिटी देखो कितने सारे भाई यूट्यूबर आ चुके हैं यहाँ पर इस रावण को कवर करने। साइड से लुक दिखाऊंगा तो भाई आप सभी को, तो भाई ये चीज़ चेक करो, क्रेन वहाँ पर लगी पड़ी है और ये रावण हो जाने वाला तगड़ी तरीके से। एक ही एंगल में आप सभी को रावण दिखाऊंगा भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। ये 211 फीट इसकी ऊँचाई बताई गई है, और ये जो टीम आई है भाई वो चंडीगढ़ अम्बाला की टीम है, जो जिन्होंने ये रावण बनाया है। 211 फीट इसकी ऊंचाई है, फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 35 लाख कीमत बता रहे हैं भाई रावण की, ठीक है 35 लाख कीमत है। और भाई साहब लेटा हुआ रावण कुछ और बैठा हुआ रावण कुछ और भाई साहब खड़ा हुआ रावण कुछ और। अजब ही भाई साहब, गजब ही माल है भाई साहब, ये कसम से अब ये खड़ा हो चुका है ना, अब दिख रहा है भाई रावण जय की वहीं की शैं की, ठीक है भाई। अभी देखते हैं भाई क्या सा सीन होता है, दिख अरे भाई साहब बोला नहीं जा रहा। और आपके सामने ही है भाई ये रावण, और बहुत ही ज़्यादा गजब है, ध्यान से देखते रहना भाई पूरी की पूरी वीडियो, जैसे मैं आप सभी को दिखाता रहूँगा। ये देख रहे हो भाई, ये जितने भी भाई आपके सामने दिख रहे हैं, ये वाले भाई दिख रहे हैं, सारे के सारे भाई दिख रहे हैं भाई, वो कुछ तो भाई पीछे पीछे भी जा चुके हैं अब अपना अपना शॉट लेने। तो भाई ये सारे भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रावण की, दुनिया के सबसे बड़े रावण की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ चुके हैं। अभी भाई 1:40 की ये वीडियो हो जाने वाली है, और ये रावण भाई आसमान में जाके इतना दिग्गज लग रहा है ना भाई, बहुत ही दिग्गज रावण हो जाने वाला भाई, चेक करो, देख रहे हो, ये हो जाने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा रावण। अभी अपनी पूरी ही सीमा पे आ चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से खड़ा हो चुका है भाई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसी ज़मीन के अंदर गड्ढा होगा, क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये शॉट चेक करो, कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाने वाला है भाई रावण, देख रहे हो गजब ही पीस हो जाने वाला है, बहुत ही अलग है। और भाई एरोप्लेन भी गुजर रहा है साथ में से, देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊंगा ना, बीच में से देखो क्या शॉट है भाई साहब, देख रहे हो अलग ही भाई साहब। ये चेक करो, मैं रावण के इतने ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, और ये लहर रहा है भाई, सीरियसली लहर रहा है, ठीक है। ये जो रावण हो जाने वाला है 211 फीट का हो जाने वाला है, अब जमीन के अंदर इसके भाई गड्ढा होगा, अब मैं आपको गड्ढा कैसे होगा मैं आप सभी को दिखाता हूँ, देख रहे हो भाई इतने सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं भाई यहाँ पर वीडियो बनाने, ठीक है। अब गड्ढा होते हुए भाई साहब साफ सामने सामने दिखा दूंगा आप सभी के, बाकी भाई ये चीज़ चेक करो, देख रहे हो अलग ही नेक्स्ट लेवल भाई साहब पीस हो जाने वाला है, ठीक है।
तो अभी तो फिलहाल भाई रावण के जो नीचे अभी मैंने आपको सिखाया कि जेसीबी काम कर रही है, मतलब गड्ढा कर रही है, गड्ढा कर रही है। पहली बात तो हम लोगों को पता नहीं कि भाई खड्डा भी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था ना कि ये डायरेक्टली खड़ा होगा, पर ऐसा नहीं भाई, बिल्कुल खड्डा हुआ बाद में। बिल्कुल भाई, रावण अभी हवा के अंदर है, अभी ये रावण जाएगा आधा आधा नहीं तो मतलब इतना सा हिस्सा रावण जाएगा, बट बेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा कुछ भी कहो। बिल्कुल भाई, मजा आ गया, गदर सीन हो जाने वाला है भाई साहब, आगे चल के दिखाएंगे पूरा फॉर्म, देखो भाई रावण की गजब हो जाने वाली है। पूरी लोकेशन डाल देना कि भाई जिसको भी रावण देखना हो ना भाई, वो डे में जब मर्जी आ सकते हो। बिल्कुल भाई, द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन के पास है, 11 के भी बिल्कुल पास है। बिल्कुल, और ये रामलीला का स्टेज हो जाने वाला है, ये ग्राउंड हो जाने वाला है, तैयारी फुल है। रावण भाई साहब दशहरे से इतने दिन पहले खड़ा हो गया क्योंकि भाई इस रावण को देख रहे हैं लाखों लोग। पर एक चीज बताएं भाई, हॉस्पिटल है साथ में। बिल्कुल भाई, रावण देख सकते हो, हाइट आप दोनों भाई कंपेयर कर लो, मैं तो कह रहा हूँ ये रे इससे भी ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, कुछ भी कहो मजा आ गया। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मोमेंट कि मैं देखूंगा भाई, मैं भी देखूंगा, भाई भी देखेगा और सबको दिखाएंगे। बिल्कुल भाई, भाई इस वक्त आप सभी अपने कैमरे के थ्रू देख रहे हो, मतलब अपने फ़ोन के थ्रू देख रहे हो भाई, दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो भाई जो दिल्ली का सबसे बड़ा रावण हो जाने वाला है ना, अब वो जाएगा भाई ज़मीन के अंदर। ये चीज़ चेक करो भाई, देख रहे हो, ये देखो भाई यहाँ पर हो रहा भाई ज़बरदस्त तरीके से काम, और रात के बज रहे हैं 2, ये क्रेन लग रही है अपने काम पर, यहाँ पर जा रहा है रावण गड्ढे के अंदर। बतेरे यूट्यूबर सारे के हैं और सभी के चैनल पर अलग अलग शॉर्ट्स दिख जाएंगे आप सभी को, बाकी तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा ऐसे इधर से लेके दिखाऊंगा। तो भाई ये क्रेन चेक कर लो भाई, क्या खतरनाक क्रेन हो जाने वाली है, और ये रावण जा रहा है भाई आधा जमीन के अंदर। और भाई मैं आपको दिखाऊँ ना रावण के पीछे का व्यू, भाई यहाँ पर है ना भाई नॉर्मल गड्ढा तो हो चुका है, ये हो जाने वाला भाई रावण पीछे से कुछ इस तरीके का। और ये भाई साहब अभी यहाँ पर जेसीबी अपना काम करने आ चुकी है, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन है, बहुत ज़्यादा पावर मशीन है इसके अंदर, सॉरी पावर मशीन कह रहा हूँ, पावर है इसके अंदर, अभी अपना काम कर रही है। रावण के जो अंदर डालने के लिए गड्ढा करा था उस गड्ढे को भरा जाएगा स्टार्ट। तो भाई ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रात के भाई साहब मैं आपको फिर से दिखा चुका हूँ, रात के भाई साहब 3 बजने वाले हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने घर पर, और रावण हो चुका बिल्कुल टनाटन खड़ा, और मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ भाई। ये देखो जो गड्ढे की बात कर रहा था ना, वो गड्ढा भी भर चुका है, रावण हो चुका खड़ा। किसी को भी देख रहा हूँ, द्वारका सेक्टर 10 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, कुछ कदम की दूरी पर आपको दूर से ही रावण देखने को मिल जाएगा। वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में लिखना भाई जय श्री राम, और लिख देना भाई जय शंकर की, ठीक है। तो भाई ये है हमारे भाई रावण महाराज, ठीक है भाई।